तो स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ऑक्टोबैडमेनिया। दोस्तों, लेके आ गया हूँ एक और प्यारा सा पैच। आपकी रिक्वेस्ट मैं मानता हूँ अभी इसके लिए नहीं आ रही है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे इसके पैच की रिक्वेस्ट भी की है, शायद उन पे वो पैड है। सिंपल से सिंपल मैं कहता हूँ, इतने प्यार से एडिटिंग हो जाती है इसमें कि आपने अभी तक जितने भी पैड शायद बजाए होंगे, सबसे सिंपल ऑपरेटिंग इसकी मैं कह सकता हूँ। और दोस्तों, बिना किसी भी झिझक के आप इस पैच को परचेज कीजिए। मेरे कहने पे आपको टोटल वॉइस, टोटल इसके पैच मैं बना के दूंगा बिल्कुल फ्री, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देखने को मिलती है जो सिंपल रहती है। एक पैच लेके आ गया हूँ, देखो मैं अभी तक एक बार रिवाइंड कर देता हूँ आपको क्या क्या मैं बता चुका हूँ इस पैड में, तो आपको थोड़ा आवाज़ का भी समझ आ जाएगा। देखिए, 1 2 ड्रम किट, 1 2 3 4। सिंपल ड्रम किट, अब जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और एक ढप देखिए मैंने जो बनाई थी, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने दुगन बनाई थी, इतनी ज़बरदस्त ये दुगन है कि मैं कह रहा हूँ कि अभी तक आप किसी भी पैड में इस तरीके का दुगन शायद सैम्पलर में ही सुना होगा। देखिए, 1 2 3 4, ये इफेक्ट जो बेस गिटार का है अभी तक मैंने नहीं सुना सैम्पलर के अलावा, वो भी हमें काट के लगाना पड़ता है। देखो, एक गाना गुनगुना के आपको दिखाता हूँ फटाफट से। एक गाना बहुत पुराना आया था लेकिन चला बहुत था, दर दर दा दर दर दा दर दर दा दा दा। इस तरीके से मैं कहता हूँ, अगर बेस गिटार आपने लगा दिया ना लास्ट में, तो आप एकदम ऐसी वॉइस लाएंगे जागरण में, प्रोग्रामों में, बहुत ही प्यारी है ना। और लगता है पूरा, देखिए, 1 2 3 4। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पैच में आपको लूप भी बजा के दिखाऊं, तो मैं वो भी दिखा दूंगा। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ जब तक हम करते नहीं है तब तक हमें समझ नहीं आती। मैं उसका आपको एक सिंपल सा उदाहरण दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें लूप किस तरीके से प्ले होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए, यहाँ सिंपल सा है, मैं इस पर लूप लगा देता हूँ। 1 8 8 7 4। आपको बहुत सारे इसमें साउंड इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल सिंपल सा। इस तरीके के इतने सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। देखिए, इस तरीके की वॉइस कहाँ आपको किसी और पैच, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने डाला है। देखिए कितना प्यारा, अरे अरे क्या रहा है ना, अरे अरे ऐसा ना, देखो बल्ले बल्ले, कितना प्यारा बल्ले बल्ले है ना। तो इस तरीके का मैं कहता हूँ अभी तक, देखिए इस तरीके के कितने साउंड, देखो है ना, बिल्कुल ओरिजिनल जो लगता है हमें वो मैं दिखा रहा हूँ। कहीं भी लगा सकते हैं इसके बाद, देख देख देख, सिंपल ढोलक वाला आए। और मैं कहता हूँ इस तरीके से बना लीजिए। देखिए, और यहाँ पे बहुत सारे, देखिए शंख का कितना प्यारा है, देखिए सिंपल। अगर आप कहीं भी किसी भी जगह पे, देखिए आप इसको बजाना चाहते हैं तो बहुत आराम से बजा सकते हैं। देखिए, ढफका लूप में आपको दिखा देता हूँ कितना प्यारा मैं कहता हूँ। और देखिए, ये सारे लूप इसमें सेट हो जाते हैं दोस्तों, कुछ भी आपको बाहर से नहीं लगाना। देखिए,
क्लिक पे बंद, और दिखा देता हूँ इस तरीके से जो है जब हमारा लगता, देखिए तो समझ आता है कि किसी ने, और भाई 30,000 के अंदर मैं कहता हूँ अच्छा फ़ोन भी नहीं आता आज के टाइम पे, है ना। ये देखिए आप कितने लूप लेंगे, ये कितना प्यारा मतलब है ना, तो आप देख सकते तान, ये देखिए तानपुरा ओरिजिनल तानपुरा, इसका पिच वगैरह आप पूरा ढोल का पिकअप देखिए, है ना। ये देखिए सितार के मीठा मीठा वॉइस, कोई जागरण वगैरह कथा वगैरह में आप चल रहे हैं वहां बजाते रहो, है ना। साउंड इफेक्ट देखिए, हुर्र ऐसा हुर्र कहीं नहीं है, अभी तक कहीं नहीं है। देखो है ना, ये देखो मतलब बहुत ही प्यारा, और मैं तो कह रहा हूं इतना ऐसा जब लगेगा कि कहां ही बैठे हम, ये देखो है ना। बजा दो श्याम भजन में धमाल ओरिजिनल, और कर दो कमाल एकदम, है ना। इसके वो भी बढ़ जाते हैं, आपको अगर इसकी स्पीड वगैरह बढ़ जानी है, देखिए है ना, तो आप इसको बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारे है ना, इसके साथ में प्ले कर सकते हैं, तो दोस्तों ये तो चलो ये बात रही कि इसमें क्या क्या आप बजा सकते हैं। अब आते हैं मेन वीडियो की तरफ, अगर आपने स्किप किया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, और अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा एम स्टूडियो MSP20 Pro। दोस्तों एक P20 है और आपको प्रो ही लेना है, इसमें ज़्यादा वॉइस है तो मैं आपको बता। अब मैंने एक किट बनाई है, सिंपल सी किट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे गानों में एक गाना चुरा लिया है, है ना, कितना सिंपल देखिए, दर 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 कितने गानों में ये बजाए, कितने गानों में, तू क्या मेरे लिए, दोस्तों कुछ भी बजा सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे सपनों की, इस तरीके से आप कोई भी गाना कितना भी बढ़िया, देखिए प्लेइंग सबसे सिंपल है दोस्तों, और ये जो बना है इसमें कोई भी बहुत बड़ी साइंस नहीं लगी, एकदम सिंपल। मैं कहता हूँ सबसे सिंपल, लोग कहते हैं कि 20 पैड है, 20 से भी सिंपल है, रोलैंड 20 से भी बहुत सिंपल है। साउंड वाइज मैं मानता हूँ आज भी उसका जवाब नहीं है, आपने पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, मैंने उसे भी बहुत अच्छा बना रखा है, लेकिन इसका भी मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत ही प्यारा, देखिए कितना अच्छा साउंड, देखिए
पहले भी गाना है, बार बार दिल ये आए ही, मैं कह रहा हूं जबरदस्त पैच है। आपने एक बार कमेंट करिए आप किस किस के पास 20 प्रो है एम स्टूडियो का, और आप वीडियो को शेयर करो दोस्तों। वीडियो जितनी ज्यादा शेयर होगी ना उतने लोग, मेरा मोटिव ना ये नहीं है कि मैं किसी को भी कुछ गलत चीज बताऊंगा, मैं चाहता हूं हर एक वो इंसान जो लो बजट में भी ऑक्टोपैड बजाना चाहता है ना, उस तक हमारी ये कोशिश पहुंचे, क्योंकि मैं जानता हूं कि बड़ा मुश्किल है किसी भी चीज़ को लेना और कई कई चीज़ों पे हम लोग फोकस ना करें। शुरुआत यहां से करो, बढ़ते हुए आप कोई सा भी ले लो, रोलैंड प्रो ले लो, आप रोलैंड का एक्स ले लो, अगर बजट कम है आपका तो 50-60-70 हज़ार रुपये लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपके कमेंट आए इस वीडियो के अंदर, मैं आपको इंडियन जो वॉइस है ना सारी बता दूंगा दोस्तों, सारी इसमें सारी जय माता दी, और मतलब जितने भी हमारे बजरंग बली की जय, इस तरीके से कितनी वॉइस इस पैड के अंदर है, आप लोग खुद कहेंगे कि शायद आपने अगर कोई और सा ले लिया तो इसको भी लेना चाहिए था। तो दोस्तों आज बस इतनी सी वीडियो है, अगर आपका कमेंट आएगा तो इसकी एडिटिंग दूंगा, पिछले सारे पैड जितने भी पैच मैंने बजा के आपको दिखाए हैं उन सब की एडिटिंग दूंगा। बस बने रहिए हमारे चैनल पे, और एक बार जैसे क्लास में हाथ ऊपर करते हैं आप एक कमेंट जरूर कीजिए किस किस पे एम स्टूडियो 20 प्रो है, जरूर दूंगा। और जो जो खरीदना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा सिंपल तरीका है इसको खरीदने का, और कोई बर्डन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, सब चीज़ आपको मैं बताऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट छोड़ के जाइए अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो।